बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सबक है ये है औरूफ़ गैर आमिला। औरूफ़ गैर आमिला में से हरूफ़ इस्तिफ़हाम, हरूफ़ इस्तिफ़हाम वो हरूफ़ है जो किसी बात पूछने के लिए वज़ा की गई है, जो किसी बात पूछने के लिए वज़ा की गए हैं। हरूफ़ इस्तिफ़हाम तीन हैं, हमज़ा, हल और मा। इसमें से हमज़ा जो है और हल ये दोनों जुमला इस्मिया और फ़ैलिया दोनों पर दाखिल होते हैं। मसलन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन और क़ामा ज़ैदुन, ज़ैदुन क़ाइमुन और क़ामा ज़ैदुन, ये जुमला इस्मिया है और जो ये जुमला फ़ेलिया है। तो ये दोनों जुमले के शुरू में आते हैं, ये दोनों जुमले के शुरू में अज़ैदुन क़ाइमुन और हल ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन और हल ज़ैदुन क़ाइमुन, क़ामा ज़ैदुन अक़ामा ज़ैदुन, हल क़ामा ज़ैदुन। लेकिन हल जो है, हल और हमज़े में फ़र्क ये है कि हम इस तरह कह सकते हैं कि ज़ैदुन क़ामा, यानी जुमले जुमला इस्मिया है और उसकी ख़बर जो है वो फ़ैल है, ये इस तरह हम पढ़ सकते हैं। लेकिन हल के साथ, हल ज़ैदुन क़ामा नहीं पढ़ सकते, इसको नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि इसकी ख़बर जो है ये फ़ैल है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये हमज़ा जो है ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, चाहे जुमला इस्मिया की ख़बर फ़ैल हो या इसम हो, और हल जो है वह उस जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है जिसकी ख़बर जो है वो फ़ैल ना हो, तो इस पर ये दाखिल नहीं हो सकता। और ये है अकामा ज़ैदुन और हल क़ामा ज़ैदुन, इसमें कोई मसला नहीं है, इसलिए कि मुफ्तदा ख़बर ये फ़ैल फ़ाइल बनकर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया है। अभी माँ जो है, लफ्ज़ माँ, लफ्ज़ माँ, ये लफ्ज़ माँ जो है ये सिर्फ मुफ़रद के बारे में पूछने के लिए वज़ा किया गया है, मसलन मा दीनुगा, मा हाजा, मा मा दीनुगा। तो ये हो गया मा इस्तिफ़हामिया, और माँ के साथ मन भी है,
लेकिन वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हुरूफ इस्तेफहाम, आ, हल और मा। तो ये है आज का हमारा सबक, अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।